हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जी, सुबह का वक्त है, दिन है बुधवार और तारीख है 14। तो सरस्वती पूजा है, रयान को जल्दी स्कूल जाना था तो मैं आज जल्दी ही उठ गई ताकि जल्दी ही नाश्ता बनाकर रयान को नाश्ता खिलाकर रेडी करते हुए स्कूल भेज सकूं। और सुबह उठने का फायदा भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठे तो बहुत सारे काम जल्दी भी खत्म हो जाते हैं। तो आज हमारा ऐसा ही हुआ, सुबह का जो भी मॉर्निंग रूटीन था वो हमने जल्दी सुबह खत्म कर दिए थे। और सुबह का नाश्ता बनाने के बाद किचन की जो भी थोड़ी मोड़ी साफ सफाई करनी थी वो मैंने कर दी। साथ ही मैंने सुबह ही बर्तन धो के रखे तो उसे भी मैंने एक एक करते हुए मिला दिए हैं। तो जी, अब मैं यहाँ कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी और दाल तो मैंने सुबह ही बना कर रख दिए थे, बस मुझे दाल में तड़के लगाना है। तो जब मैं सब्जी बनाऊंगी तभी मैं दाल में भी तड़के लगा दूंगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर सुबह जल्दी उठे तो बहुत सारे काम खत्म हो जाते हैं, पर क्या हो रहा है कि आजकल हमारा रूटीन बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं और सुबह बिल्कुल उठने को मन नहीं होता। बहुत कमर दर्द और पैरों में बहुत दर्द होते हैं तो इसी कारण से हमें उठने में आजकल बहुत लेट हो जाते हैं। धूप अच्छी तरह से निकले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना यह दाल को अच्छी तरह सुखा दिया जाए। लगभग मैं इसे 1 वीक तो अच्छी तरह से सुखाऊंगी तभी मैं इसे पिसवाऊंगी। वैसे तो यह दाल को सुखाए हुए 2 दिन हो चुके हैं, बस मैं इसे 4 या 5 दिन और सुखा दूंगी। और यह दाल को क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं, पर दिखने में एकदम उड़द दाल की तरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मैं चारों तरफ इसे फैला दूंगी ताकि धूप अच्छी तरह से निकले और हमारे दाल अच्छी तरह सूख जाए। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। और यहाँ मैंने तड़के में जीरा, सरसों और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ मैंने भिंडी में थोड़े से प्याज भी काटे हैं ताकि हमारा भिंडी और अच्छा लगे खाने में। और जब भी मैं भिंडी इस तरह से बनाती हूँ तो बड़े बड़े साइज में प्याज को जरूर काट कर डालती हूँ। मुझे इस तरह से भिंडी को फ्राई करके खाना बहुत पसंद है। तो अब मैं यहाँ दाल में तड़के लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और हमारे रयान को पालक खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने क्या किया कि सुबह के वक्त जब मैं दाल बना रही थी तो उसी में मैंने थोड़े से पालक को डाल दिए थे ताकि उसके बहाने रयान थोड़े से पालक भी खा ले। और यहाँ मैंने तड़के में जीरा, सरसों, सूखी मिर्च, प्याज और करी पत्ता डाले हैं। साथ ही यहाँ मैंने थोड़े से हल्दी डाल दिए ताकि दाल में और अच्छा कलर आए। अब हम यहाँ डालेंगे दाल और इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे ताकि जो भी हमने तड़के डाले वो अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए। और मैं क्या करती हूँ, रयान को अगर कोई भी सब्जी खाना पसंद ना हो तो मैं दाल में डालकर उसे अच्छी तरह से पका देती हूँ ताकि रयान को पता भी ना चले और रयान खा भी ले। और मेरे ख्याल से हर इंडियन मॉम तो कुछ ना कुछ तो आइडिया जरूर निकालते होंगे ताकि बच्चे थोड़े ही सही पर सब्जी जरूर खाए। तो मैं ये आइडिया अपनाती हूँ, पर क्या होते हैं कि कभी कभी हमारा आइडिया फेल हो जाते हैं। रयान को कभी कभी क्या हो जाते हैं पता चल जाते हैं कि मैंने दाल में कुछ ऐड किए हैं। और यहाँ आप लोगों से बातें करते करते यहाँ हमारा दाल में तड़के लगाने का भी हो चुका है। साथ ही यहाँ मैंने चावल धोकर बैठा दिए ताकि चावल भी हमारा एक साथ बन जाए। और काम करते करते मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ तरबूज। और आप लोगों को यकीन नहीं होंगे, मैं तरबूज बहुत खाती हूँ, मुझे तरबूज खाना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं लाती हूँ तो सबसे ज्यादा मैं ही तरबूज खाती हूँ। तो अभी तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तो जब तक हमारा चावल और सब्जी बन रहे हैं तो इसी बीच में अच्छी तरह से धूप में बैठकर ये तरबूज को खा लेती हूँ। और घर पर सासू माँ और मैं ही हूँ तो हम दोनों ही खा लेंगे और बाकी लोग जब आएंगे तो सभी के साथ मैं दोबारा खा लूंगी। यहाँ हमारे भिंडी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके और चावल भी हमारा बन चुका है। तो अब मैं जाकर नहाऊंगी और नहाने के बाद रयान को लेकर आऊंगी, उसके बाद सभी के साथ करेंगे लंच, क्योंकि जल्दी मैं कर लूंगी क्योंकि रयान का भी आने का भी समय हो चुका है। और रयान को स्कूल से लाने के बाद मैंने उसे फ्रेश कर दिए हैं, तो अब हम करेंगे लंच। और यहाँ मैंने लिए है दाल जिसमें मैंने डाले हैं पालक, चावल, भिंडी और अचार। और लंच करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की और यहाँ मैं आई हूँ हमारे छोटे से फूल के बगीचे में ताकि जो भी फूल के आसपास जंगल निकले उसे साफ कर सको। बहुत दिन हो गए थे बिना साफ किए हुए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कर दिया जाए। और घर हो और घर में फूल का बगीचा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए हम लोगों का यह छोटा सा फूल का बगीचा। और आजकल मुझसे भी यह काम नहीं होते और रयान के पापा का भी बिल्कुल समय नहीं मिलता, पर मैंने आज सोचा क्यों ना आज यह खत्म कर दिया जाए क्योंकि बहुत दिनों से यह काम रह गए थे। और इस तरह से बैठकर मुझसे कोई भी काम नहीं होता, मुझे कमर दर्द और पैरों में बहुत दर्द होते हैं, तो इस तरह का कोई भी काम होते हैं तो मैं बहुत ही कम करती हूँ। और आजकल हमारा बेबी बम भी दिखने लगे हैं तो यही कारण है कि मैं इस तरह से बैठकर काम नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ जितने भी फूलों के आसपास जो जंगल निकले हैं उसे मैं निकालूंगी और सारे जंगल को मैं बाहर फेंक दूंगी और अच्छी तरह से चारों तरफ पानी भी डाल दूंगी।
वैसे तो मैं बहुत सारे फूल लगाना चाहती हूँ, पर हमारे बाउंड्री बिल्कुल ठीक नहीं, कभी कभी गाय घुसते हैं तो सारे फूल खा जाते हैं, तो यही कारण है कि मैंने इतने फूल यहाँ लगाए नहीं। पर हाँ, थोड़े कोशिश किए हैं कि थोड़े मोड़े लगा सके, क्योंकि बिना फूल के गार्डन के बाहर से घर दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पाइप की मदद से इस तरह से मैं चारों तरफ फूल में पानी डाल दूंगी। जी अच्छी तरह से मैंने फूलों में पानी डाल दिए और दोबारा मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा तरबूज खाया जाए। वैसे भी मुझे तरबूज खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ सभी के साथ हम दोबारा खा लेंगे। और हमारे रैन और मुझे, हम दोनों को ही तरबूज खाना बहुत पसंद है। और आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारे रैन कितने शौक से तरबूज खा रहे हैं, और मैं भी मना नहीं करती, क्योंकि तरबूज खाने के बहाने से पानी का कमी भी पूरा हो जाते हैं। तो सभी के साथ हम लोगों ने खाया तरबूज, और शाम हो चुका था, लगभग 5 बज गए थे। तो मैंने सोचा अंधेरा ना होने से पहले सब्जी को काट के रख दिया जाए, ताकि बाद में हम आराम से सब्जी बना सके। तो लौकी को हमने तोड़ कर लेकर आ गए थे, तो आज हम डिनर में ये लौकी की सब्जी ही बनाएंगे। अगर इस तरह से घर में ही कुछ भी लगा दिया जाए सब्जी, तो कभी कभी क्या होते हैं कि अगर बाहर जाने को मौका ना मिले या फिर सब्जी कुछ मिलते नहीं, तो घर में इस तरह से तोड़ कर खाने को मौका मिल ही जाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने मार्केट से लौकी खरीद के नहीं लेकर आए हैं, क्योंकि घर पर ही हो जाते थे, तो इसी कारण से हम लोगों ने अभी तक लेकर नहीं आए। तो घर पे ही इस तरह से लगा दिया जाए तो समय और पैसे दोनों ही बच जाते हैं। और यहाँ मैंने लौकी के छिलके को छील लिए, और देखिए यहाँ जो छिलके हैं, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से छोटे छोटे कट कर लूंगी, और यही लौकी के छिलके को मैं ये करूंगी कि फूलों के जितने भी पौधे उसके नीचे मैं इस तरह से थोड़े थोड़े करते हुए डाल दूंगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस तरह से अगर मैं कोई भी सब्जी काटूँ तो फूल के पौधों में उसके छिलके या कोई भी डाल होते टुकड़े होते इस तरह से डाल दूं, ताकि उसी से हमारा खाद बने। इधर से उधर फेंकने से अच्छा है कि इस तरह से रीयूज किया जाए तो ही अच्छा है, ताकि आसपास गंदे भी ना हो और काम भी हो जाए। और लौकी में बीज भी बहुत सारे हो गए हैं, तो मैं एक एक करते हुए सारे बीज को निकालूंगी। और अगर इस तरह से लौकी में बीज लगे तो उसे निकालने के लिए बहुत वक्त लग जाते हैं, तो अच्छा ही हुआ कि मैंने अभी से यह काम को शुरू कर दिया, क्योंकि लौकी में बीज लगे हैं तो उसे निकालने के लिए भी बहुत वक्त लग जाते हैं। वैसे तो मुझे अभी बनाना नहीं, तो मैं आराम से यह काम को खत्म कर लूंगी। और मुझे अभी पैरों में और कमर दर्द बहुत हो रहे हैं, तो मुझे सेकने की भी तैयारी करनी है। तो जी यहाँ हमारा पानी गर्म हो चुका है, तो मैं अब करूंगी सिकाई की तैयारी। और जब भी मुझे कमर दर्द या फिर पैरों में दर्द होते हैं, तो इसी तरह से मैं गर्म पानी करती हूँ और सेकती हूँ, क्योंकि इस हालत में दवा खाना भी अच्छी बात नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम दवा खाए, और इस तरह से कोई भी आइडिया या कोई भी टेक्निक अपनाए, ताकि मुझे थोड़ा ही सही पर आराम मिले। तो मेरे परिवार, आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना सजेशन और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोगों का यही कमेंट और सजेशन हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए उम्मीद देती है। और मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी को लेकर आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट या फिर अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, तो वो कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग अपना सजेशन या फिर अपना आइडिया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी ये प्रेगनेंसी जर्नी को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकूं। और वैसे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, ताकि मैं एक बड़ी फैमिली बना सकूं। तो चलिए यहाँ मैं पैरों में अच्छी तरह सेकाई कर लेती हूँ, और कमर में भी हमें बहुत दर्द है, तो वहाँ भी मैं अच्छी तरह सेकाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। तो मेरे प्यारे परिवार, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नए दिन और एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।